मैं आपको हिंदी सेकंड के जैसा कहता हूँ फर्स्ट से भाषा बोलने और व्याकरण तथा लिख नामक पाठ से पुनः व्यास ने विषयों को बताया। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों मन के भावों या विचारों को उत्तर उत्तर या संगीत के द्वारा व्यक्त करना भाषा कहलाता है। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के तीन रूप होते हैं। मौखिक भाषा जिसको लिखकर कहा जाता है, लिखित भाषा जिसको मौखिक भाषा जिसको बोलकर कहा जाता है, लिखित भाषा जिसको लिखकर प्रकट करने आता है और सांकेतिक भाषा जिसको संकेत करके प्रकट करना। मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे वक्ता द्वारा प्रवचन कहना, नेता द्वारा भाषण सभा में भाषण होना, लिखित भाषा लिखकर प्रकट करना, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे अपने पिताजी को पत्र लिखना या अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखकर श्याम पट पर लिखकर पढ़ाना। नेक्स्ट सांकेतिक भाषा अपने विचारों को संकेत करके प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जिस किसी खतरनाक या खतरनाक स्थान पर संकेत खतरा का संकेत करके अवगत कराना। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण और शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शब्द लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं वर्ण विचार शब्द विचार और वाक विचार। नेक्स्ट लिख किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किए जाने वाले चिन्हों को लिख कहते हैं। किन्हीं पांच भाषाओं की लिख लिखिए। भाषा और लिख हिंदी की लिख होती है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी और उर्दू की फारसी और संस्कृत की देवनागरी। इन पांच भाषाओं की लिखि आप लड़ करके लिख करके और लड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा किसे कहते हैं? होमवर्क में आप भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं और लिख किसे कहते हैं, पांच भाषाओं की लिख लिख करके आप लड़।